नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। 15 क्वेश्चन देख के जाएंगे आपके CGPSC व्यापम। 11 फरवरी को एग्ज़ाम है और पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और व्यापम के अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। टोटल हम 15 क्वेश्चन देख के जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर 2000 को। ये जो 15 क्वेश्चन है आपके विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है जी, ठीक है। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो आप सभी को मालूम होगा छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय गीत के रचयिता नरेंद्र देव वर्मा है, और वह गीत कौन सा है? तो आप बताएंगे अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार। यह आपका नरेंद्र देव वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक वाक्य कब बनाए गए हैं? तो ये आपका 5 जून को बनाए गए जी, 2019 में 5 जून को मनाया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगी, ठीक है। और रात के बचे हुए भात में पानी और मांडला मिला के बनाया गया छत्तीसगढ़ी लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ का हरे? तो एक आंसर आप सभी झनला मालूम होगा, छत्तीसगढ़ के सबो झनला मालूम है, बासी हरे। का हरे? बासी हरे, ठीक है ना। और ये आपन बताओ कि छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय पक्षी इनमें से कौन सा है? तो एकदम सरल है जी, पहाड़ी मैना। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय पक्षी कौन सा है? पहाड़ी मैना, है ना। अब छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हरे जी? तो याद रखू, छत्तीसगढ़ के हमारे प्रथम मुख्यमंत्री आप मन के अजीत प्रमोद कुमार जोगी हरे, और दूसरा नंबर में आप मन के डॉक्टर रमन सिंह हरे जी, डॉक्टर रमन सिंह। ये लगातार 3 बार कार्यकाल में रह चुके हैं, और ये 3 बार कार्यकाल में रह चुके हैं तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्ष इसी को बनाया गया है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आप मन बर डॉक्टर रमन सिंह ला बनाए गए हैं। और साथ ही यहू याद रखूँ कि मुख्यमंत्री आप मतलब कौन ला बनाए गए है? तो मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ला बनाए गए जी। कौन ला? विष्णु देव साय ला। 5-6 क्वेश्चन इच करो बताता हूँ, एक बार याद करके रिविजन करके चल दो, काबर की एग्जाम में लेटेस्ट क्वेश्चन है, पूछ सकते। तो आप मन याद रखू, छत्तीसगढ़ में भी प्रोटेम स्पीकर कौन हरे जी? तो प्रोटेम स्पीकर आप मन याद रखू, राम विचार नेताम, राम विचार नेताम। एक बार रिविजन कर लो जी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रोटेम स्पीकर राम विचार नेताम। ओकर बाद दूसरा मैं बतावा था छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष, तो नेता प्रतिपक्ष कौन हरे जी? तो नेता प्रतिपक्ष आप मन के याद रखू, छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत हरे जी, ठीक है। चरण दास महंत है, कौन है? तो छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष कौन है, सॉरी, छत्तीसगढ़ के आप मन के नेता प्रतिपक्ष सही है जी, छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष कौन है? चरण दास महंत हरे ना। कौन हरे? चरण दास महंत। एक बार जो टॉपिक बताता हूँ, एक बार रिवीजन करके जरूर जाऊ जी। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री आप सभी मालूम है, डिप्टी कमिश्नर कौन हरे? डिप्टी कमिश्नर। तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री आपकी दो है, पहला नंबर में आपका है कौन है जी? अरुण साव। अरुण साव ये कहाँ से बिलोंग करते जी? तो आप मन याद रखो, लोरमी से। दूसरा नंबर में आपके विजय शर्मा। विजय शर्मा कहाँ से बिलोंग करते जी? तो आप मार के कवर्धा से, है ना। ये इतना बस याद रखाओ जी। अकर बाद और बतावा था मतलब नोट कर चलाओ, छत्तीसगढ़ के विधानसभा का अध्यक्ष आप मतलब बताओ डॉक्टर रमन सिंह। ये लगातार 3 वर्षों से कार्यकाल में रहे हैं, और अभी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री आपको बताया अजीत प्रमोद कुमार जोगी, दूसरे नंबर में डॉक्टर रमन सिंह, तीसरे नंबर में आप मन के भूपेश बघेल है, और चौथे नंबर में आप मन के वर्तमान में कौन है जी? तो विष्णु देव साय जी है, वो आप मन की कुनकुरी क्षेत्र से बिलोंग करते। चलो अब देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो आप मन याद रखू, ये अनसुईया उके है जो वर्तमान में राज्यपाल नहीं है, ये अभी कहाँ के राज्यपाल है? मणिपुर के, ठीक है, मणिपुर के। तो हमारे वर्तमान में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है, विश्वभूषण हरिचंदन जी। ये काबर की पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर है, तेकर नाम से आप मान ला एक बार रिविजन कराता हूँ जी। तो अनसुईया उइके हरे यदि मणिपुर, अभी विश्वभूषण हरिचंदन हरे अभी वर्तमान में, ठीक है जी। ये अभी इला कहाँ का राज्यपाल बनाए गए हैं? मणिपुर के अनसुईया उइके ला, ठीक है। चलाओ, राउत नाच नृत्य कब मनाया जाते हैं जी? तो राउत नाचा सब बुझाला मालूम है, दिवाली के तुरंत बाद मनाया जाते हैं। ये जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हरे 2023 के हरे जी, है ना, विगत वर्षों के चपरासी भर्ती में और छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलो, पंथी नृत्य किस जनजाति में करथन जी? तो पंथी नृत्य आप साबुल मालूम है सतनामी, ये जैतखम वाला सभी को मालूम है, जैतखम गिरौदपुरी, है ना।
तो ये गिरौदपुरी जैत खाऊँ आप सभी को मालूम है ना। पांडवानी कथा किससे जुड़ी है जी? तो पांडवानी पांडव की कथा से जुड़ी है नहीं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास बंजारे ये पंथी नृत्य हरे और छत्तीसगढ़ फिल्म मोर छैया भुइयां के लेखक कौन हरे जी? तो छत्तीसगढ़ के मोर छैया भुइयां के लेखक सतीश जैन हरे। कौन हरे? सतीश जैन है ना। तो ये दो तीन क्वेश्चन और बाँचे है। गुरु घासीदास के जन्म स्थल कहाँ हुई से? गिरौदपुरी में जी। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित डॉक्टर खूबचंद बघेल, ये जो डॉक्टर खूबचंद बघेल कौन से क्षेत्र में थे? तो कृषि क्षेत्र में, याद रखू जी, ये जो खूबचंद बघेल है ना कृषि क्षेत्र में। अब सम्मान से पुरस्कार भी एग्जाम में पूछे जाते, तो एक दो टॉपिक और बताऊँ वाला नोट करके चलूँ है ना। तो 15 क्वेश्चन का कहा थे, 15 क्वेश्चन है आप मन के, एक देखो जी। 2021 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा कितने नवीन जिले को घोषणा की गई थी? 4 नवीन जिला के घोषणा किए रही जी है नहीं। तो आप एक बार नोट करते चलाओ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, नोट करते चलाओ। तो 4-5 टॉपिक और बताता हूँ, ये मतलब नोट कराओ है नहीं। पहला मैं टॉपिक बता देता हूँ, चलो जल्दी से नोट कराओ। तो पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रमेश सिन्हा। मुख्य न्यायाधीश कौन है जी? रमेश सिन्हा। फटाफट नोट कराओ या फिर दिमाग में नोट कर लो है ना, एक एक बार रीजन कराओ। और कीर्ति चक्र सम्मानित छत्तीसगढ़ के जाबाज सिपाही, आप सभी को मालूम है कीर्ति चक्र अभी मालूम है ना। तो कीर्ति चक्र एक बार देख लो जी, 3 झनला मिले हैं, कौन कौन ला? तो पहला नंबर में आप याद रखो शहीद दीपक भारद्वाज, शहीद आप मन के दीपक भारद्वाज, ठीक है, दीपक भारद्वाज। ठीक है, दूसरा नंबर में है आप मन के जी मुख्य आरक्षी हरे वह शहीद सोढ़ी नारायण, याद रखो ये दोनों हो गए। चलो तीसरा बतावा था, तीसरा नंबर में है आप मन के श्रवण कश्यप, ठीक है, ये श्रवण कश्यप नोट कर लो, ये मुख्य आरक्षी हरे, 3 झला मिले हैं जी। ओकर बाद और बतावा था मतलब नोट कर जाओ, ये एग्जाम में मंडी निरीक्षक एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो नोट कर लो। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हरे जी? तो मुख्य न्यायाधीश आप मन के डब्ल्यू ए शशांक, ये याद कर लो।